एडमिशन ओपन, वेलकम यू डीएवी डबवाली, सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज ही अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य करें सुरक्षित। आओ चलो चले डीएवी स्कूल, आपके इलाके में उत्तम शिक्षा देने के लिए हमेशा वचनबद्ध। पता है डीएवी पब्लिक स्कूल, चौटाला रोड, डबवाली। संपर्क करें 9964388833। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लोकसभा सिरसा में इनेलो प्रत्याशी संदीप लोट को लेकर आईएनएलडी की तरफ से अब हर विधानसभा में एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बड़े मेगा रोड शो निकाले जाने की सबसे बड़ी जो कि पार्टी की योजना है, जिसमें शुरुआत भी हो चुकी है। मगर मंडी डबवाली में किस तरीके से रोड शो को लेकर जो इनेलो के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तैयारियों में जुटे हैं और किस तरीके का ये रोड शो होगा और इसकी जनसभा है वो भी चौटाला, पैतृक चौटाला गांव में ही रखी गई है, जिसको लेकर इनेलो अब जी जान से तैयारियों में जुटी। हमारे साथ बातचीत के लिए इनेलो के हलका प्रधान डबवाली से विनोद अरोड़ा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अरोड़ा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है पन्नू साहब ऑफिस में आने का। थैंक यू अरोड़ा साहब। किस तरीके की तैयारियाँ, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि इनेलो का किस तरीके का चुनावी प्रचार चल रहा है सिरसा में, कैसे देख रहे हैं और कितना बड़ा रुझान लोगों का आपको अब तक नज़र आया है मिलता हूँ? आपने पीछे यहाँ ओडा में देखा भी था, आप प्रेजेंट थे, कि किस तरीके से हमने इनेलो के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था, ट्रैक्टर रैली निकाली थी और भाई संदीप बाल्मीकि जी के जो प्रोग्राम हुए थे पंजाबी बेल्ट के, कितना लोगों में उत्साह था, वर्कर्स में भी उत्साह था और कितने वर्कर साथ चल रहे थे, वो सारा कुछ आपने अपनी आँखों से देखा है और आपने नोट भी किया था। तो अब भी उससे उस प्रोग्राम को लेकर आगे वर्कर में और ज़्यादा उत्साह बढ़ा, जैसे लोगों को जनसमर्थन मिला। अब 14 तारीख को हम एक बहुत बड़ा शो बाकी गांवों में करने जा रहे हैं। भाई संदीप लोट जी उस दिन देखेंगे कितनी गाड़ियों के साथ वर्कर साथ जाएंगे। आप उस दिन इनवाइटेड हैं, 14 तारीख को आप आइएगा, यहीं से इस कार्यालय से ही हमारा प्रोग्राम आगे शुरू होएंगे। यहाँ से चल के अलीका, शेरगढ़, सक्ताखेड़ा, अबूब शहर, गोरीवाड़ा, मठ दादू, गंगा, ये सारे बड़े बड़े गांव जैसे कालूवाणा है, ये सारे जो गांव उस दिन रह गए थे हम निकालेंगे। और शाम को एक बहुत बड़ी जनसभा चौटाला में होने जा रही है और आपने परिवर्तन यात्रा के दौरान भी देखा था कि कैसा माहौल था, उसी को रिपीट करेंगे। अरोड़ा जी, जहाँ पर आप रोड शो की बात करें तो वहीं पर बीजेपी भी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रही हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी डबवाली विधानसभा की पहली रैली को संबोधित किया है, कैसे देखते हैं? बीजेपी कह रही है 4 जून 400 पार और मोदी की गारंटी। सब फेल काम है, झूठ की राजनीति है, लोगों के मन में ये फैला रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं ताकि लोग सरेंडर हो जाएं, भी ये तो जीतेगा, ये बनेगा, लेकिन हकीकत तो उसके बिल्कुल उल्टा है। ग्राउंड लेवल पे हम घूम रहे हैं। आज 5 साल से मैं हर गांव में जा रहा हूं, दुख सुख में जा रहा हूं, लोग इतने तंग परेशान हैं इनके प्रचार से, इनके लोगों के दिमाग में बोझ हो गया भी इनकी गारंटी तो हमने अब की बार फेल करनी है। ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं इनको हम यहाँ से लोग गाँव में नहीं घुसने दे रहे, 400 पार कैसे करेंगे? तो मैं तो ये बता सकता हूँ कि इनको ये लोगों को झूठ की राजनीति, अफवाहें फैला फैला के तैयार कर रहे हैं, हकीकत में कुछ नहीं है। संदीप वाल्मीकि आपके प्रत्याशी हैं लोकसभा से, कैसे देखते हैं, क्योंकि INLD के 10 संकल्प भी हैं जिनको लेकर आप बात कर रहे हैं, क्या सबसे बड़े मुद्दे लोकसभा चुनाव के? हमारे मुद्दे तो किसानों के जो मुद्दे हैं, MSP का मुद्दा है, बुजुर्गों के रोजगार का, नौजवानों का मुद्दा है और नशे का मुद्दा है, बिजली बिलों का मुद्दा है और भी ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मेन तो किसानों को पानी बिजली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, कनेक्शन की समस्या है। तो ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां ही कर सकती हैं, ना कि नेशनल पार्टी। तो हमारी सरकार बनेगी, हम MSP की गारंटी देंगे किसानों को, ट्यूबवेल कनेक्शन ठीक रहे, वाजिब रेट पे देंगे, बिजली के बिलों को ठीक करेंगे,
गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लाट देंगे और बेरोजगारों को 21,000 रुपये प्रति माह भत्ता देंगे, आपका बुजुर्गों को 7500 पेंशन देंगे, महिलाओं को 1100 रुपये देंगे। तो बहुत अच्छे हमने संकल्प लिए हैं अभय सिंह जी ने, तो उनको पूरा करेंगे। अभय सिंह अपनी जुबान के धनी हैं। अभी अरोड़ा जी, जो बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर है वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो 24 सालों बाद, कभी कहते हैं वो 26 सालों बाद सिरसा आए हैं और उनका घर तक यहाँ पे नहीं है। वहीं पर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि इस बार का चुनाव है वो बीजेपी की खोखली नीतियों के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आप कैसे देखते हैं बीजेपी कैंडिडेट को, कांग्रेस कैंडिडेट को? बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही बारी हैं। एक तो 25 साल बाद आई है यहाँ और जिसका कोई एड्रेस नहीं है किसी के पास, इनके कार्यकर्ताओं के पास एड्रेस नहीं है। और दूसरे नेता का तो सभी को पता है कि कितनी पार्टियां बदल चुके हैं और कहां कहां जाके घूम के आए हैं और वो लोगों को क्या, वो लोग उन पर विश्वास करना छोड़ गए हैं। और जहां तक हमारे कैंडिडेट की बात है, हमारे को लोग चल चल के आके कह रहे हैं कि आपका कैंडिडेट बहुत अच्छा है, लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला है, यंग है, युवा है, पढ़ा लिखा है, नर्म स्वभाव का है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जवान का धनी दमदार नेता अभय सिंह चौटाला भी इसी लोक सिरसा लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो लोगों का ये विश्वास बैठता है कि हम अगर इनको वोट देंगे तो ये हमारे हकों की आवाज़ उठाएंगे, हम इनसे मिल इजीली मिल सकते हैं और हमारे पे लोग विश्वास कर रहे हैं इसी बात को लेकर। अब अभी जो अरोड़ा जी, 14 मई को आप एक रोड शो करने जा रहे हैं, आप तमाम डब्वाली विधानसभा के गाँव से ये पूरा काफिला आपका गुजरेगा, कितनी आप अनुमानित करते हैं गाड़ियों का काफला होगा, किस तरीके से रोड शो गांव में एंटर करेगा, क्या कुछ जनसभाएं होगी, किस तरीके से प्लान किया गया और कितना आपकी तैयारियां पूरी हो गई? हमारे तक अब हमारे पास अभी 500 गाड़ियों का डाटा आ चुका है जो लोग हमारे चलने को तैयार हैं साथ में, और हर गांव में लोग उत्साहित हैं कि कब आप आओगे और हम आपका स्वागत करें। तो जगह जगह लोग फूल मालाएं लेकर, जल ये अपना लंगर लगाकर, चाय पानी का प्रबंध करने के तैयार बैठे, मतलब उत्साह है लोगों में। हमें वर्कर आके बताते हैं कि आप जल्दी प्रोग्राम बढ़ाओ, हम आपका बहुत ज़ोरदार स्वागत करेंगे जब हमारा कैंडिडेट वहाँ पहुँचेगा। क्या लगता है इस बार INLD का मुकाबला किससे मुकाबला मानते हैं? मुकाबला हमारा कांग्रेस से हम मानते हैं, बीजेपी का तो कोई है नहीं, क्योंकि कांग्रेस का कैडर है, कांग्रेस यहाँ से जीती हुई है, तो हम तो उसी को मानते हैं और हम बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस को हम धूल चटाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हलका प्रधान विनोद अरोड़ा जी, जो बता रहे थे कि इनेलो की सबसे बड़ी तैयारी है इस रोड शो में, जो कि सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ डब्वाली विधानसभा से, डब्वाली शहर से शुरू होकर ये काफिला गांव-गांव से होता हुआ चौटाला गांव में जाएगा और जहां पर शाम को एक बड़ी जनसभा रखी गई है। दावा इनेलो का है कि उसमें सबसे बड़ी भीड़ जुटेगी और चौटाला गांव से ही हरियाणा सिरसा लोकसभा की नई तकदीर लिखी जाएगी। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डब्वाली।